चुटकियों का काम है ये तो। जी बिल्कुल, 1 मिनट के अंदर 2 सैंडविच आपने तैयार कर दिए। 1 मिनट में 3 सैंडविच तैयार हो सकते हैं। स्मार्ट कुक की कामयाबी की क्या वजह है? हमने सिर्फ एक कोशिश की थी। माशाल्लाह, कोशिश कैसे की? कैसे सर तुक्का लगाया, सर तुक्का लगाया। मेरे सामने यहाँ पे एक सैंडविच है और मलाई बोटी बर्गर, जिसके बारे में उमर भाई ने बताया कि ये आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हैं लोडेड फ्राइज। इसका मुझे टेस्ट आ रहा था एग का, और साथ में जो सॉसेज हैं और जो सैलड है, यूनिक टेस्ट मुझे मिला। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम स्ट्रीट फूड में मैं आपका मेज़बान मुबीन बशीर एक और एपिसोड में आपको कहता हूँ खुशामदीद। मज़ेदार खाने खाने का सिलसिला तो जारी और सारी है, मगर मज़ा तो तब है जब ज़बरदस्त और न्यू प्लेसेस को डिस्कवर किया जाए और नए खानों को भी, जिसकी वजह से आज मैं एक लोकेशन का रुख करने वाला हूं, जिसके बारे में मुझे मालूम हुआ है कि उनके पास न्यू वैरायटी का फास्ट फूड मौजूद है। तो आज मैं रुख करता हूं अपनी आज की लोकेशन का और आपको दिखाता हूं कि वहां पे मुझे कौन कौन से मज़ेदार खाने खाने का मौका मिलने वाला है और उनका जायका कितना मज़ेदार है और ओवरऑल मेरा आज का एक्सपीरियंस कितना अच्छा रहता है। तो आइए मेरे साथ और आज की लोकेशन का विज़िट करते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ समनाबाद में गजाली रोड पर, और मेरी आज की लोकेशन एग्जिस्ट करती है बिल्कुल मेरी बैक साइड पे स्मार्ट कुक। और सिर्फ बैक साइड पे नहीं है, ये फ्रंट साइड पे भी यहाँ पे स्मार्ट कुक लोकेटेड है। दोनों तरफ स्मार्ट कुक है और इनकी ख़ास बात यह है कि इनके पास सैंडविचेस की वसी वैरायटी मौजूद है। वैसे तो इनके पास और भी फास्ट फूड के आइटम्स मौजूद हैं, मगर जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ वो है सैंडविच। कि सैंडविच में इतनी ज़्यादा क्वालिटी, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी। तो मैं आज यहाँ पे रुक करने वाला हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो सैंडविचेस तैयार किए जाते हैं उनकी क्या ख़ास बात है और वो कितने मज़ेदार हैं। तो आइए मिल के आज की लोकेशन एक्सप्लोर करते हैं, आइए मेरे साथ। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं स्मार्ट कुक के ऑनर शाहिद अली भाई, और इनसे जानते हैं कि स्मार्ट कुक की कामयाबी की क्या वजह है और कौन कौन से मज़ेदार जो यहाँ पे फूड आइटम्स हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आप ठीक हैं? माशाल्लाह, मैं बेहतरीन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। शाहिद भी ये बताएं कि स्मार्ट कुक की कामयाबी की क्या वजह है, कब इसका आगाज़ हुआ और कैसे आगाज़ हुआ? सर, इसको तकरीबन कुछ 7-8 साल हो गए हैं माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने सिर्फ एक कोशिश की थी, तो कोशिश करते करते हम यहाँ तक पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा है काम, बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कोशिश कैसे की? कैसे सर तुक्का लगाया, सर तुक्का लगाया। तुक्का किस तरह का तुक्का लगाया? और सर बस समझने के बाद दिल किया तो ऐसे बस कि यार ये काम कर सकते हैं हम। हमने एक तुक्का लगाया, तो तुक्के को लगाते लगाते तकरीबन हमें 1 साल लगा तकरीबन। तो फिर वो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 8 साल हो गए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको कोई बैकग्राउंड था फूड के हवाले से या आपने अचानक आपने सर कुछ भी नहीं था सर। ठीक है सर, सच तो ये है कि मैं खुद यानी कि ये काम जानता नहीं था। हमने बस एक जेन बनाया कि ये काम शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके उसको हमने यानी कि सारा मैनेज किया। देखा कि यार क्या कीमत से हमने परचेजिंग की है, इसका मार्जिन क्या निकालेंगे हम। हमने बड़ा मकूल सा एक मार्जिन निकाला, तो भाइयों के साथ यही बात हुई थी कि आप बड़ा थोड़ा सा मार्जिन रख के अच्छी चीज़ें लगा के अपना काम करें। ज़बरदस्त, बहुत अगर तो अल्लाह ने आपका साथ दिया तो आप इस काम को करें। अगर आपको अच्छा काम करके भी रिस्पॉन्स ना मिला तो फिर ये हम काम बंद करके कोई और दूसरा बिजनेस करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी करनी हुई अल्लाह की, अल्लाह ने ऐसी करम किया, अल्लाह ने ऐसा रहम किया हमारे ऊपर। आप यकीन करें 8 साल हो गए, मैं कभी घर होके नहीं गया। मैं जो भी मेरे नसीब में है अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेके जाता रहा। तो शुरू आपने किसी से किया? सैंडविच से शुरू किया था? सर नहीं नहीं, हमने जब स्टार्ट लिया था एक शॉर्मा से हमने स्टार्ट लिया था। अच्छा, तो 7 बर्गर बनाते थे, तो फिर हमने करते करते ना 7 सैंडविच इन कर लिया हमने। ओके ओके। जब सैंडविच इन किया तो तकरीबन उसकी डिमांड इतनी बढ़ती गई, हमें फिर बर्गर शॉर्मा बंद करना पड़ गया। ओके अच्छा। हमने फिर बर्गर शॉर्मे का साथ नहीं दिया, क्योंकि जो कस्टमर आता था वो सैंडविच की डिमांड करता था। फिर हमने फिर उसको देखा कि यार हमारे पास डिमांड सैंडविच की है, हमने फिर उसको वाइंड अप किया और सैंडविच अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई बड़ी बात नहीं करता, बहुत बहुत दूर से लोग मेरे पास आते हैं। अच्छा शायद एक मेरा यहाँ पे सवाल है कि देखें एक आपने अचानक से एक प्लान किया, जी जी आपने कहा तुक्का लगाया, बिल्कुल बिल्कुल, तो सीखा कहाँ से? क्योंकि शौरमा सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, हमने सीखा भी नहीं सर, ये भी मज़े की स्टोरी है, हमने सीखा कहीं से नहीं। मैं ऑलरेडी बुटीक डिज़ाइनर था, बहुत लेवल का मैंने बहुत अच्छा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था तकरीबन कोई 12 साल का माशाल्लाह। मेरे भाई पढ़ते थे तो फिर इसके अलावा हमने जब स्टार्ट लिया ना, हमने दो बंदे रख लिए थे अपने पास ना, दो कारीगर रखे कि जी काम करें आप लोग, हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन वो क्या करते थे, काम तो करते थे लेकिन जो हमें रात को 2000 बचना होता ना, वो कोई चक्कर दे के ना ले जाते थे। हाँ, वो जब ले जाते थे हमें बड़ा गुस्सा चढ़ता था कि यार ये गलत बात है, ये लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हमने यही उनके साथ हमने काम सीखना खुद से शुरू कर दिया। हमने उनको बताया कि यार हम लोग भी आपके साथ काम करेंगे, हम आप हमें बताया करें। लेकिन उन्होंने भी गाइडलाइन अच्छा नहीं किया, थोड़ा थोड़ा बताते थे, थोड़ा वो पर्दा डाल देते थे। फिर हम सीखते गए, हमें एक साल लगा। काफ़ी लोगों की बातें सुनी, इतनी जल्दी हमें इस रास्ते पर नहीं चढ़े हम, ये काफ़ी लोगों की बातें सुनते सुनते कई लोगों से हमने बेइज्जती भी करवाई। हाँ मतलब मेहनत की, बहुत ज़्यादा बड़ी मेहनत। फिर उसी साल में हम डिसीजन लेते थे, कभी सोचते बंद करें, कभी सोचते कर लें, फिर अल्लाह ने साथ दिया ना जब से माशाल्लाह। फिर उस दिन से हमने ये नहीं सोचा बंद किया। ओ मैं कहता हूँ कोई भी शख्स अल्लाह की तरफ जाए, मेरा दावा है अल्लाह उसकी तरफ आएगा। कोई बंदा अगर अल्लाह की तरफ नहीं जाता तो वो कहता अल्लाह मेरी तरफ आ जाए, कैसे आएगा? बेशक इसमें तो कोई भी है, प्यासा जो होता है उसको ही पानी के पास, कुएं के पास जाना पड़ेगा। बस अल्लाह पाक कहते हैं ना कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह तो ये बात है। अच्छा माशाल्लाह ये बताएं कि अब कोई भी शख्स जो अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो अब आपके जो एक्सपीरियंस है माशाल्लाह आपने मेहनत की है, जी तो कोई अगर स्मॉल लेवल पे बिजनेस शुरू करना चाहे तो उसको मिनिमम कितनी अमाउंट की जरूरत है? सर मेरे ख्याल से कोई भी बंदा अगर नया काम करना चाहता है ना, तो मैं उसको ये एडवाइस दूंगा कि वो बंदा अपनी छोटी सी कॉस्ट से काम शुरू करे। अगर उसको लॉस होता है तो उसको ज़हनी टेंशन नहीं होगी, वो बजाय बहुत बड़ी इन्वेस्ट करेगा तो उसका खुदा ना खासा अल्लाह ना करे उसको कोई मसला होता है तो वो कल को परेशान होगा। उसको दूसरे लोग हौसला दे रहे होंगे तो वो और भी ज़्यादा परेशान होता है कि यार मुझे पता नहीं क्या हो गया। छोटी कास्ट से काम शुरू करें, छोटे लेवल से काम शुरू करें, उसको फिर आहिस्ता बढ़ाता जाए। लेकिन ये मेरी अच्छी एक एडवाइस रहेगी कि कोई भी चीज़ लगाए, कोई भी काम करे, ईमानदारी से करे और अच्छी चीज़ें डाल के अच्छा काम करे, वो बंदा कभी नाकाम नहीं होगा। जो बंदा किसी के अगर कहने पे गलत चीज़ें का इस्तेमाल करेगा, मेरे साथ हुआ, मैंने आपको सच बयान किया अल्हम्दुलिल्लाह, सच बयान करना भी एक इबादत है, तो मैंने इसलिए आप लोगों से छुपाया नहीं, जो मेरी हकीकत है मैंने आपको बताया। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। शाहिद भाई ने बताया कि जिस तरह से इन्होंने अपने बिज़नेस का आगाज़ किया, रैंडमली इन्होंने स्टार्ट किया और माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा जो रिस्पांस है वो उनको मिला लोगों की तरफ से, अच्छी क्वालिटी की वजह से, अच्छे जायके की वजह से और ईमानदारी की वजह से। और अब यहाँ पे जो शेफ़ हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर सैंडविचेस किस तरह से तैयार करते हैं और क्या उसकी स्पेशलिटी है। यहाँ पे जी भाई मुकम्मल एक्सपर्टीज़ के साथ सैंडविचेस और शवारमा यहाँ पे बना रहे हैं, तो भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जाहिद। जाहिद भाई ये बताएं कि ये इतना सब कुछ आपने कहाँ से सीखा है, इतनी महारत के साथ आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? ये उमर भाई से सीखा है। उमर भाई से सीखा है जी। कितने टाइम से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मुझे तकरीबन हो गया 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए जी। यहीं पे सीखा और यहीं पे बना रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या बात है, ज़बरदस्त। और ये कितने टाइम में आप सीख गए थे सारे सैंडविचेस बनाना और शवारमा यहाँ पे बनाना? मुझे तकरीबन 1 साल लगा था। 1 साल लगा था जी बिल्कुल। मतलब कोई नया बंदा अगर कोशिश करे कि यार मैं भी शुरू करूँ तो वो भी 1 साल में सीख जाएगा? ये बिल्कुल उसकी ना शौक की बात है। शौक की बात है ना, बिल्कुल ठीक है। मतलब आपने एक्स्ट्रा शौक लगाया तो आप 1 साल में जी बिल्कुल सीखे हैं मुकम्मल तौर पे? जी बिल्कुल। और कोई उससे भी ज्यादा शौक लगाएगा तो फिर कितने टाइम में सीख जाएगा? वो तकरीबन तो एक हफ्ते में भी सीख जाएगा। ना करें 1 हफ्ते? हाँ यकीन से इतना जल्दी? बिल्कुल। तो ये तो इसका मतलब आपका शौक कम था? बस ये तो फिर अपनी अपनी शौक की बात होती है ना। अच्छा अभी कौन सा सैंडविच बना रहे हैं? ये मलाई बोटी बना रहा हूँ। मलाई बोटी सैंडविच, क्या खास बात है इसकी? इसमें खास बात है ये कोलो पे तैयार होती है और इसमें चीज़ लगती है, सलाद लगती है और 2 डबल लेयर में मलाई बोटी लगती है। ओए होए होए भाई जिस तरह से तेज़ी से यहाँ पे सैंडविच तैयार करें ना, भाई की बोलने की स्पीड भी वैसे ही है। चेक करें, एक्सपर्टीज़ चेक करें ज़रा भाई की। अच्छा तो कोयले पे इसका जो ये बारबेक्यू तैयार होता है? जी बिल्कुल। अच्छा और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? ये मलाई बोटी होती है और चीज़ होती है, सैलड होती है और सॉसेस वगैरह होती है। ये तैयार हो गया। ओए होए होए क्या ज़बरदस्त सैंडविच यहाँ भाई ने तैयार कर लिया। मतलब चुटकियों का काम है ये तो। जी बिल्कुल, एक मिनट के अंदर 2 सैंडविच आपने तैयार कर दिए। 1 मिनट में 3 सैंडविच तैयार हो सकते हैं। 1 मिनट में 3 सैंडविच तैयार। जी बिल्कुल, क्या बात है जी। यहाँ पे भाई जो है मलाई बॉडी सैंडविच स्पेशल सैंडविच है यहाँ का। जी बिल्कुल भाई, यहाँ पे जो स्पेशल सैंडविच है मलाई बॉडी सैंडविच, उसको यहाँ पे तैयार कर रहे हैं और क्या ही ज़बरदस्त अंदाज़ में। मैं भी यहाँ पे मलाई बॉडी सैंडविच तैयार करने वाला हूँ, क्योंकि जिस अंदाज़ में इसको बनाया गया है ना, तो वाकई वो लग रहा है कि कोई बहुत ही मज़ेदार और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होने वाली है। क्लब सैंडविच है मलाई बोटी वाला, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और इनका मलाई बोटी जो बर्गर है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो मैं तो स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि लोग यहाँ पे आएँ और इनका टेस्ट करें। देखा जाए तो इनकी क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस जो है वो बहुत ही इकोनॉमिकल है, और कम प्राइस में जो है अच्छी क्वालिटी जो है वो मिल रही है। अच्छा टेस्ट है, मैंने कई जगह से सैंडविच ट्राई किए हैं, लेकिन यहाँ के सैंडविच काफ़ी बेहतर है। मैं तो अगर जो है कुछ दोस्तों को और जाके रेफर करता हूँ कि आप जाएँ, सीधा जाके स्मार्ट कुक पे जाएँ और जाके वहाँ पर सारा टेस्ट करें, इनका एनवायरनमेंट चेक करें, खाना टेस्ट करें, ईच एंड एवरीथिंग बस परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त के कहने पे मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था इनके पास, और अभी मैं ये समनाबाद में और मैं मुस्लिम टाउन से यहाँ सिर्फ स्पेशली इनके सैंडविचेस लेने आता हूँ। जी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं स्मार्ट कुक के मेन शेफ़, जो इतनी मेहनत से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इनसे जानते हैं कि इनके सैंडविचेस की क्या खास बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। उमर भाई, ये इतनी मेहनत से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे सैंडविचेस बना रहे हैं, लोग इतने शौक से यहाँ पे खा भी रहे हैं, तो क्या ख़ास बात क्या है इनकी, क्यों इतना लोग पसंद कर रहे हैं? बहुत शुक्र मालिक का अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ास बात यही है कि चीज़ हमेशा फ्रेश होती है, अच्छा मटेरियल लगाते हैं, अच्छे इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मेन्यू और पूरी शॉप में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम अपने घर में ना खिला सकें। हम बिला झिझक अपने बच्चों को यहाँ से खिलाते हैं और डेली खाते हैं, और ये इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। हमारे पास तकरीबन 8 से 10 किस्म के हैं, क्लब चिकन टिक्का स्पेशल, चीज़ी चिकन, चीज़ी क्लब, वेजिटेबल, मलाई बोटी। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी कोई इंसान डिसअपॉइंट होता है कि यार मेरे पैसे वेस्ट हो गए, तो हम इनसे वो अपने पैसे वापस ले सकता है कि वजन मेरे पैसे ज़ाया हो गए, मैं इतनी दूर से आया हूँ, तो हम उसको उसका वापस पैसे दे देंगे। हाँ इंशाल्लाह, मतलब अच्छी चीज़ यहाँ पे आप बना बिल्कुल, क्योंकि हमें मान है कि यार हम फ्रेश चीज़ दे रहे हैं, अच्छी चीज़ दे रहे हैं, इसमें कोई इतना नुक्स नहीं निकलेगा इंशाल्लाह। और ये बताएं कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो सैंडविच आपका सेल होता है वो कौन सा है? हमारा एक मलाई बोटी चाह रहा है वो है 460 का, और एक है स्मार्ट कुक स्पेशल वो है 500 का। तो समझ लें ये भी खिदमत है। कुछ लोग ज़्यादा चीज़ पसंद करते हैं, वो फिर चीज़ी चिकन में आ जाते हैं, उसमें ज़रा सैंडविच का भी टेस्ट आ जाता है और साथ पिज़्ज़े का भी हल्का फुल्का टेस्ट आ जाता है। बिल्कुल सही है, मतलब दोनों सैंडविच आपके सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेल होते हैं। जी जी। और इनके सैंडविच के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास यहाँ पे? बेसिकली जो हमारी पहचान है वो स्मार्ट कुक वो है सैंडविचेस, तो बाकी हम शवारमा, बर्गर जो आम चीज़ें लगती रहती हैं, नॉर्मल मिलती रहती हैं, वो भी करते हैं, लेकिन वो लोग मांगते ही नहीं हैं। लोग इतनी दूर से आते हैं कि भाई हमने सैंडविच ही खाना है, सैंडविच खाना है, तो वो जब सैंडविच ख़त्म हो जाते हैं ना, तो फिर लोग कहते हैं चलो यार अब चिकन बर्गर खा लें, सैंडविच खा लें, मलाई बोटी बर्गर खा लें। हाँ एक और आपको बात बता दूँ, मलाई बोटी बर्गर आपको कहीं से नहीं मिलेगा। ठीक है, हम मलाई बोटी बर्गर लगाते हैं, मलाई बोटी बर्गर होता है, उसमें चीज़ होती है, अंडा होता है, तो अगर किसी ने मलाई बोटी बर्गर खाया तो मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा। हमारे इस शॉप के अलावा ठीक है, मलाई बोटी बर्गर मतलब वो भी यहाँ का फेमस है। बिल्कुल बिल्कुल, और लोग पसंद करते हैं। जी जी, क्या बात है जी। उमर भाई ने बहुत अच्छी बात की जी कि जिस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है, तो उमर भाई खुद भी यहाँ पे उन्होंने खुद से सीखा है और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जी तो व्यूअर्स, अब फाइनली बारी आती है टेस्टिंग की, और मज़ेदार सी चीज़ें मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं जैसा कि हमेशा ही होती हैं, और आज जो है वो मुझे कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल चीज़ें लग रही हैं। मेरे सामने यहाँ पे एक सैंडविच है और मलाई बोटी बर्गर, जिसके बारे में उमर भाई ने बताया कि ये आपको कहीं और से नहीं मिलेगा, और यहाँ पे हैं लोडेड फ्राइज़, और जो कि मुझे सही वाली लोडेड लग रही हैं। और ये देखें ज़रा, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कितनी मज़ेदार और ख़ूबसूरत दिखने वाली ये लोडेड फ्राइज़ हैं, और साथ में मेरे पास केचप भी है और मस्टर्ड सॉस भी है। सबसे पहले मैं लोडेड फ्राइज़ से अपने आज की टेस्टिंग का आगाज़ करूँ, क्योंकि जो सैंडविच है और जो मलाई बोटी बर्गर है वो दोनों इनके स्पेशल फूड आइटम्स में से है। तो सबसे पहले मैं लोडेड फ्राइज़ ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि इससे बेहतर आइडिया हो जाएगा कि इनका टेस्ट बेसिकली है कैसा, और जितना यहाँ पे लोगों का रश है और जितने यहाँ पे लोगों के रिव्यूज़ मिले हैं वो तो बहुत अच्छे हैं। और बिल्कुल भाई, जो लोडेड फ्राइज़ की जैसे बात है ना, वैसे मुझे लोडेड फ्राइज़ लग रहे हैं, सही वाले लोडेड, और ट्राई करता हूँ और देखता हूँ कि इनका टेस्ट कितना मज़ेदार है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओए होए सुभान अल्लाह। मैं तो चेक कर रहा हूँ कि नीचे से भी ऐसे ही सॉसेज ऐड की हुई हैं या ऊपर सॉसेज हैं। नहीं, सॉस नीचे तक है और चिकन भी और बाकी तमाम चीज़ें भी। और सुभान अल्लाह भाई क्या मज़ेदार टेस्ट है, जो इनके सॉसेस का टेस्ट है ना बहुत मज़ेदार। लोडेड फ्राइज़ हैं भाई मज़ेदार, और सही वाली जिनको हम कहते हैं ना लोडेड फ्राइज़ होना, वो वाली लोडेड फ्राइज़ हैं। वरना अमूमन बहुत सी जगहों पे जब हम जाते हैं तो इस तरह की लोडेड फ्राइज़ नहीं मिलती, सिर्फ हल्की सी सॉसेज ऐड की भी होती हैं और वो कहते हैं कि लोडेड फ्राइज़ हैं, लेकिन ये एक्चुअल में लोडेड फ्राइज़ हैं और बहुत मज़ेदार है। और जब मेरे पास यहाँ पे है जी इनका मिक्स सैंडविच, क्योंकि मैंने ये इसलिए ऑर्डर किया है कि इनका जो क्लब सैंडविच है और चिकन सैंडविच है तो दोनों का जो मिक्स जो कॉम्बिनेशन है वो इस सैंडविच के अंदर है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मिक्स जो सैंडविच है उसको ट्राई किया जाए और देखा जाए कि वो कितना मज़ेदार है। सबसे पहले मैं इसको ऐसे ही ट्राई करता हूँ और उसके बाद मैं सॉसेस के साथ भी ट्राई करूँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह भाई, जो इसमें चिकन की फिलिंग है और फिर इसमें एग है, बिल्कुल इसका मुझे टेस्ट आ रहा था एग का, और साथ में जो सॉसेज हैं और जो सैलड है, क्या ही मज़ेदार और एक यूनिक टेस्ट मुझे मिला है सैंडविच का। सुभान अल्लाह भाई। ओए होए सैंडविच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, नहायत मज़ेदार और उम्दा। केचप के साथ तो ट्राई करते रहते हैं, मगर इनकी मस्टर्ड सॉस के साथ ट्राई करता हूँ भाई, बहुत आला। क्या ही लजीज टेस्ट है। ख़ास बात यह भी है कि सिंपल टेस्ट मुझे, मतलब सिंपल सी चीज़ के अंदर बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट मुझे मिला है। सुभान अल्लाह, ये तो मैं ऐसे ही खा जाऊँगा सारा सैंडविच। और भी मेरा मलाई बोटी बर्गर बाकी है। भाई सैंडविच तो है बहुत मज़ेदार, और अब मलाई बोटी बर्गर ज़रा देखो तो सही यार इस बर्गर को। ओए होए 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 भाई, क्या इसके अंदर चीज़ ऐड की हुई है, अंडा ऐड किया हुआ है और चिकन ऐड किया हुआ है, सैलेड ऐड किया हुआ है। ओए होए होए, देख के मुंह में पानी। सुभान अल्लाह भाई, नहायत ही लाजवाब। जो सैंडविच है ना वो थोड़ा खुश्क सा फील होता है ना, लेकिन इसके अंदर जिस तरह से जो चीज़ ऐड की हुई और बाकी की जो सॉसेज है ना, तो मुकम्मल तौर पे जूसी और मज़ेदार दिखाई दे रहा है। तो इसको करता हूँ ट्राई। और ये देखें, इधर से देखेंगे आप तो ये एग भी आपको नज़र आएगा। तो मैं इसको करता हूँ ट्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए, एक ही बर्गर में मुझे कितने सारे टेस्ट मिले हैं। अंडे वाले बर्गर का भी, और समझ लें कुछ शार्मा टाइप का भी, और उसके अलावा फास्ट फूड का, जैसे कहते हैं ना रियल कॉम्बिनेशन, इतने मज़ेदार सी चीज़ में मलाई बोटी। ओए होए क्या ही टेस्ट मिला भाई इसमें, बहुत आला। ये तो व्यूअर्स अब बारी आती है प्राइसेस की, और इनका जो मलाई बोटी बर्गर है जिसका जायका भी बहुत मज़ेदार है, इसकी प्राइस है 350 रुपीज़, और अगर यूएस डॉलर में इसको कन्वर्ट किया जाए तो $1.20 में आप इस मलाई बोटी बर्गर को मुकम्मल तौर पे इंजॉय कर सकते हैं, इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और जो लोडेड फ्राइज़ है इनकी प्राइस है 430 रुपीज़, और यूएस डॉलर में अगर कन्वर्ट किया जाए तो इसकी प्राइस बनती है $1.50। और सैंडविच जो कि इतना मज़ेदार है, और मिक्स सैंडविच यहाँ पे ऑर्डर किया था, जो कि कॉम्बिनेशन है चिकन सैंडविच का और क्लब सैंडविच का। मतलब अगर आप दो तरह का टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मिक्स सैंडविच ऑर्डर करके आप ज़बरदस्त टेस्ट ले सकते हैं, और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार। और इसकी प्राइस है 300 रुपीज़, और यूएस डॉलर में इसकी प्राइस बनती है $1.07। मतलब $1.07 के अंदर आप इतना मज़ेदार सैंडविच यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। डॉलर में प्राइसेस बताने का मकसद होता है, जितने भी इंटरनेशनल व्यूअर्स देख रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप पाकिस्तान आएँ तो आप यहाँ के स्ट्रीट फूड को लाजमी ट्राई करें, ताकि आपको मालूम हो कि पाकिस्तान के अंदर कितना ज़बरदस्त जो स्ट्रीट फूड है वो पाया जाता है, और यकीनन पूरी दुनिया के अंदर फेमस भी है। तो यहाँ पे आप मुकम्मल तौर पे एंजॉय कर सकते हैं। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि जब भी आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ के स्ट्रीट फूड लाजमी ट्राई करें और इसे लुत्फ़अंदोज़ हो। तो मैं अपना खाना करता हूँ वाइंड अप और मुकम्मल तौर पर इसे इंजॉय करता हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये था स्ट्रीट फूड का आज का एपिसोड जिसमें मैंने विज़िट किया समनाबाद में लोकेटेड स्मार्ट कुक का, जिनके तमाम जो जायके थे वो बहुत ही मज़ेदार और लजीज थे। एक उम्दा जायके यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं जिसकी वजह से मैं रेकमेंड करूँगा कि तमाम लोग यहाँ पे आएँ, इस पॉइंट का विज़िट करें और यकीनन यहाँ पे अच्छे खाने खाने का मौका मिलेगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अगर आप भी चाहते हैं कि डिस्कवर पाकिस्तान की टीम आए आपके शहर में तो आप हमें रेकमेंड कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे हमें व्हाट्सएप करके या हमें ईमेल करके स्ट्रीट फूड की टीम आएगी आपके शहर में आपके खानों को रिव्यू करने के लिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।